नमस्कार। सामान्य विज्ञान के इस प्रश्न श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न है, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल देती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल DACNET किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है ई एग्रीकल्चर या फिर ई कृषि से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको भी आप बिल्कुल जानते रहिए। अगला प्रश्न है कि खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतों में संबंधित जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है, इन चारों में से किससे? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, पोर्टल पर ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं पोर्टल से हमें। बी हो गया आपका राइट आंसर। प्रश्न में संबंधित जो भी संबंधित तथ्य होंगे वो भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे जहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न श्रृंखला आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप यह भी जानते रहिए कि ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके जो है भिन्न भिन्न प्रारूप आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं हम, पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे। तो इसी क्रम में आपकी अगली श्रृंखला है। और जितने भी मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आगे की वीडियो भी आपको मिल जाए। और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पीछे की जो भी वीडियो श्रृंखला पड़ी है आप वो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके इंटर रिलेशनशिप या फिर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है? तो इसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। साइबरनेटिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं की नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं, आप ये भी जानते रहिए। साइबरनेटिक्स को नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुचर्चित गगार्ड पार्टिकल किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आपका हिग्स बोसान नामक कणों से संबंधित है। तो हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना सबसे पहले 1964 में की गई थी और 2013 में इसका सत्यापन किया गया। इन्हीं हिग्स बोसान कणों को ईश्वरीय कण या फिर गार्ड पार्टिकल के उपनाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसान की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम सुन लीजिए आप, कि ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ड। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिग्स बोसान कणों की खोज की थी और इन दोनों वैज्ञानिकों को 2013 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ड को। तो बिल्कुल जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गार्ड पार्टिकल है, ठीक है, ये दूसरी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो हिग्स बोसान आपका बी हो गया राइट आंसर। यहाँ पर बताना है किस जोड़े का सही मिलान नहीं है। तो प्रकाशिक फाइबर, ये बिल्कुल आपका प्रकाश तरंगों से संबंधित है। एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड आपका आप सभी जानते हैं कि मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर और उस डिवाइस के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ये भी जानते रहिए। तो ये आपका दूसरा वाला जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए।
तीसरा देख लीजिए बृहद हेड्रॉन कोलाइडर, तो ये आपका गार्ड पार्टिकल से संबंधित है, ठीक है। और तीसरा है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है आपका, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष या मोबाइल फोन प्रचालन पद्धति 6 का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी का वर्ड है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का 6ठा जो संस्करण है वो है आपका मार्शमैलो, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इसी को एंड्रॉयड वर्जन 6 या संस्करण 6 भी कह सकते हैं, वर्जन 6 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है पाई, ठीक है। नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम पाई है, इसे एंड्रॉयड संस्करण 9 वर्जन 9 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हो गया आपका जो मार्शमैलो है ये वर्जन 6 है, ठीक है, एंड्रॉयड का। जबकि आपका जो पाई है पाई ये आपका वर्जन 9 है, बिल्कुल लेटेस्ट का है ये। तो आप इन दोनों को जानते रहिए, मार्शमैलो को भी जो वर्जन 6 है इसका एंड्रॉयड का, और पाई जो है आपका ये 9वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, समय मापक विज्ञान है तो हारोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर, हारोलॉजी समय का मापन का विज्ञान है ये। फिर अगला है आपका, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि घर्षण एवं स्नेहक संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन या फिर उनका अनुप्रयोग, ये सभी जो है ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, कौन सा कथन असत्य है। पहला देख लीजिए, ए वायुयान के विशेष टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, तो ये आपका कथन जो है सही है। दूसरा है, प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों के में अधिक प्रकीर्णित होती है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है न कि बैंगनी। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, विभज्यो दृश्य प्रकाश में कुल 7 रंगों का क्रम इस क्रम में होता है। जब इसको आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद आपका ये क्रम मिलता है विभज्यो से। इसमें जो होता है आपका, वी से आर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है, यानी वायलेट यानी बैंगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनका प्रकीर्णन कम होता है। तो वायलेट का वेवलेंथ कम है तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर यहीं पर देखा जाए आपका, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी ब्लू नीली नीला, तो ब्लू का जो होगा वेवलेंथ वायलेट की तुलना में ज़्यादा होगा, तो प्रकाश की जो नीली तरंगे होगी बैंगनी तरंगों की तुलना में कम प्रकीर्णित होती हैं भैया, ठीक है। बिल्कुल इसको आप जानते रहिए, ये कम प्रकीर्णित होती है, ठीक। आपका ये वाला कथन गलत है, मुझे लग रहा है बिल्कुल समझ गए होंगे। वी से आर की तरफ जाएंगे तरंग दर्द बढ़ेगी, तो ब्लू का यानी नीले का तरंग दर्द बैंगनी से ज़्यादा होगा। जिसका तरंग दर्द ज़्यादा होता है वो कम वाले तरंग दर्द की तुलना में कम प्रकीर्णित होता है, तो यहाँ पर आपका कम होना चाहिए था। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। शेष आप दोनों ऑप्शन और देख लीजिए। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। जब सूखे बालों में हम घुमाते हैं तब वे आवेशित होते हैं, कागज के जो कंघे होते हैं आवेशित होते हैं और कागज के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है अपने आप में। चौथा है, जोनेलसिन पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई, ये कुछ यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, तो ये वाला भी कथन आपका बिल्कुल सही था। अगला है आपका, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। सारे के सारे फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए। फिर देख लीजिए, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है मुंबई में, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये आपका मुंबई में स्थित है। एक प्रश्न छूट गया है आपका 11वां, ये वाला देख लीजिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी आपका पुणे में स्थित है।
यह जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसको भी आप जानते रहिए, CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला है, ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। तो आज की ये प्रश्नकला यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।